तो हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यूज़ में करंट अफेयर के रिलेटेड है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं, न्यूज़ में क्यों था वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको AWBI भी बोलते हैं, हम किस थीम के अंदर पढ़ेंगे, स्टेचुअरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सोर्स का इसका इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। वाई न्यूज, द इंडियन वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज विदड्रॉन इट्स February 6 अपील अर्जिंग पीपल टू सेलिब्रेट February 14 एज काउ हग डे। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक अपील की थी। कब की थी, 6 फरवरी को की, ताकि पीपल सारे लोग क्या मनाएंगे, 14 फरवरी को क्या मनाएंगे, कौ हक डे मनाएंगे, मतलब कि जो गायें हैं हमारी उनको क्या करेंगे, हक करेंगे। द अपील इनवाइटेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड यूनियन दैट सच ए सर्कुलर वाज अगेंस्ट द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेंपर। तो जो ऐसी अपील हुई उनकी वजह से, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की वजह से, तो उस वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा उनको, फार्मर से मिलने लगा, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग यूनियंस के जो ट्रेड यूनियंस थे, तो उनको लगा कि ये तो एक साइंटिफिक टेंपर के अगेंस्ट है, प्रमोशन है, किसी एनिमल को प्रमोशन के टाइप है। जैसे ऐसे तो एनिमल तो बहुत सारे हैं, तो बाकी सभी को क्यों नहीं करना है, सिर्फ स्पेसिफिक किसी एनिमल को क्यों नहीं करना है, तो उसी की वजह से उनको क्या मिला, बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिला, जिसकी वजह से उनका साइंटिफिक टेंपर को अगेंस्ट हो गया उनके, ठीक है। अभी देख लेते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या चीज, ठीक है। बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टेचुअरी एडवाइजरी बॉडी ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज एंड प्रमोट्स एनिमल वेलफेयर इन द कंट्री। तो स्टेचुअरी बॉडी क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था स्टेचुअरी बॉडी होगी जो कि किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई और उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं हो, तो उसके द्वारा ये बॉडी बनाई गई और एडवाइजरी बॉडी है किसके लिए, एनिमल, तो एनिमल की देखरेख के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए। तो ये करती है, एडवाइस देती है गवर्नमेंट को, ठीक है, उनपे, ताकि गवर्नमेंट क्या बनाए, लॉज बनाए जो कि एनिमल्स को मार रहे हैं वगैरह, हंट कर रहे हैं, उस बेसिस पे। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है और क्या प्रमोट करती है, इंडिया के वेलफेयर, एनिमल के जो वेलफेयर है, मतलब जो हमारे जो एनिमल्स हैं कंट्री में, एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनका वेलफेयर बढ़ाए, इस तरीके की ये बॉडी है, ठीक है। एस्टेब्लिश इन 1962, तो बनी कब थी ये बॉडी, एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1962 में ये एस्टेब्लिश हुई थी अंडर Section 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1962 में बनी थी। Section 4 किसके अंदर आती है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के एक्ट के अंदर आती है, ताकि जो क्रुएल्टी, जो एनिमल्स को क्रूअल तरीके से मारा जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, उस पे क्या किया, उस एक्शन के अंदर आए थे, प्रिवेंट करें। इट स्टार्टेड अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ लेट श्रीमती रुक्मिणी देवी एंड अरुणदेले, वेल नोन एज ह्यूमेटेरियन, ठीक है। तो स्टार्ट किसने किया था, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्टार्टिंग किसने की थी, जो सबसे पहले मेंबर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो थे लेट श्रीमती रुक्मिणी देवी, थी। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर्स एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स इज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। तो जो ये बोर्ड है इसका, जो ये वेलफेयर बोर्ड है, तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे, 28 मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो उनका टर्म है, कितने देर तक वो मेंबर रहेंगे, वो कैसे डिसाइड होता है, 3-3 साल का टर्म होता है। जैसे कि एक मेंबर है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में काम करता है, तो उसका टेन्योर कितने साल तक रहेगा, 3 साल तक उसका टेन्योर रहेगा, ठीक है। इट वर्क्स टू एंश्योर दैट एनिमल वेलफेयर लॉज इन द कंट्री आर फॉलोड एंड प्रोवाइड ग्रांट्स टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो एनिमल वेलफेयर प्रॉपर लॉज बनाए जाए, ताकि एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट कर सके उनकी वेलफेयर के लिए। और क्या करती है, जो ग्रांट भी प्रोवाइड करती है एनिमल्स के, जो भी वेलफेयर के लिए एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ग्रांट देती है, पैसे देती है कि इन पैसों से क्या करें, हम एनिमल्स के लिए क्या करें, जू बनाए उनकी प्रोटेक्शन के लिए, या नेशनल पार्क बनाए, या जो भी बनाए उनके वेलफेयर के लिए, ये सब कुछ क्या करती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है, ठीक है। द बोर्ड वॉज इनिशियली विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोर्ड तब बना था, तब किसके अंदर आता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर आता था, ठीक है।
अभी फूड एंड एग्रीकल्चर के नहीं अंदर आता, अभी मैंने आपको बताया था किसके अंदर आता है ये, आता ये बना प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट के अंदर थ्रू ये बना था। और ये क्या है, एनिमल वेलफेयर लॉज के थ्रू बनी हुई बॉडी है, तो ये अभी किसके अंदर आएगा, एनिमल बोर्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड एक अलग बॉडी बन चुकी है, ठीक है। तो बोर्ड वाले इनिशियली किसके अंदर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर था, और किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड और एग्रीकल्चर के अंदर था। इन 1990s सब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स वाज ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। 1990 में जो सब्जेक्ट था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी का एनिमल्स पे, वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के अंदर कर दिया। 1990 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स के अंदर तो आता था, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के अंदर आ चुका है अभी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ से शिफ्ट हुए हैं, बालबगढ़ से इन फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, पहले चेन्नई तमिलनाडु में था इसका हेडक्वार्टर, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ पे कर दिया, बालबगढ़ इन फरीदाबाद, जो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पहले तो चेन्नई तमिलनाडु में था, अभी इसका हेडक्वार्टर क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देख लिया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देखा, जो कि रिसेंटली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, मैंने आपको बताया था उन्होंने एक अपील लाई थी लोगों को कि वो क्या करें 14 फरवरी को क्या मनाए, काउ हग डे मनाए, ठीक है। और इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला बहुत सारे लोगों से, उनके साइंटिफिक टेम्पर को हर्ट होगा वगैरह, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपील को विड्रॉ कर दिया था। और हमने बताया था कि ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या थी, एक स्टेचुअरी बॉडी थी, कब फॉर्म हुई थी 1962 में, और इसके कितने मेंबर्स होते हैं, 28 मेंबर्स होते हैं, और हर एक मेंबर की जो टर्म होती है वो कितने साल रहती है, 3 साल रहती है। ये क्यों बनाया गया था, ये ताकि जो एनिमल की वेलफेयर की जा सके, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी अभी चेंज हुए थे, अभी फरीदाबाद में कर दिए, बालबगढ़ इन फरीदाबाद हरियाणा में, पहले कहाँ पे थे, चेन्नई में थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।